नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंचे नागपुर, पत्र परिषद लेकर दिए मीडिया के सवालों के जवाब। विदर्भवादी नेता राम नेवले का दिल का दौरा पड़ने से निधन, पंचतत्व में विलीन हुई विदर्भ राज्य की गूंज। और बुलढाणा में 3 डकैतों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में डाला डाका, दुकानदार की हत्या कर भाग निकले डकैत। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार नागपुर दौरे पर शहर पहुंचे हुए थे। इस दौरान पहले व्यापारियों से चर्चा करने के बाद शरद पवार ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए देश और राज्य के हालात पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। शहर के सेंटर पॉइंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर शरद पवार ने क्या कहा, आइए नजर डालते हैं। अन्याय है, पर हा मामला कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आहे।
अतिशय उत्साहकता म्हणून जे बसले त्यांना स्वागताने मी स्वतः त्याच वेळेला मुख्यमंत्री होतो त्यामुळे अस्वस्थता विचारधारा जो अर्थ स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और हाल ही में स्थापन किए गए जय विदर्भ पार्टी के संस्थापक साथ ही किसान संगठन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राम नेवले का मंगलवार 16 नवंबर देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उनके निधन से विदर्भवादी नेताओं में शोक की लहर छाई है।
सभी को साथ लेकर जनजागृति करने वाला नेता अब नहीं रहा, ऐसी प्रतिक्रिया जय विदर्भ पार्टी की उपाध्यक्ष रंजना मामरडे ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि राम सर हमेशा ही लोगों को प्रोत्साहित करते थे, उनके अचानक जाने से सभी का बड़ा नुकसान हुआ है। उनका पृथक विदर्भ का स्वप्न पूर्ण करने के बाद ही उनकी आत्मा को शांति मिलने की बात उन्होंने कही। माननीय रामदेव साहब जो जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष थे वो और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक थे, वैसे ही क्षेत्रीय संगठन के माजी महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष थे, ऐसे ये सब लोगों को प्रोत्साहित करते थे। स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए पूरे पूरे जिले में पूरे तालुके में हम लोग सब साथ साथ घूमते थे और सब सबके साथ जाकर वो जनजागृति करते थे। ऐसे हमारे साथी ऐसे हमारे नेता आज हम कहीं खो गए हैं, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। पता नहीं ये कब भरेगा, मगर उनका सपना जो है स्वतंत्र विदर्भ राज्य का वो जरूर हम पूरा करेंगे। तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी और तब तक ये श्रद्धांजलि भी पूरी नहीं होगी। इसमें सब लोगों का हमको साथ चाहिए। अगर जो भी लोग माननीय श्री राम ने उनसे प्रेम करते थे, उनको आदर करते थे, उन सब ने हमारे स्वतंत्र विदर्भ राज्य में साथ निभाना चाहिए, साथ साथ आना चाहिए। राम नेवले का जन्म नागपुर जिले के नरखेड़ में हुआ। यहाँ पर उनका कृषि सेवा केंद्र था, जिसके बाद वे किसान संगठन के संपर्क में आए। नागपुर जिला अध्यक्ष के रूप में कामकाज वही शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद वे संगठन से बाहर निकल गए और उसके बाद का जीवन उन्होंने अलग विदर्भ राज्य के सपने के लिए समर्पित कर दिया। राम नेवले बहुत मेहनती, बुद्धिमान और हिम्मतवान पदाधिकारी थे। उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ के लिए प्रचंड संघर्ष किया। अपने अंतिम सांस तक वे स्वतंत्र विदर्भ के लिए लड़ पड़े। हमारे सीनियर साथी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य निमंत्रक जय विदर्भ पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष, किसान संगठन के शेतकरी संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष, नागपुर जिला के शेतकरी संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय रामजी नेवले साहब का कल रात दुखद निधन हुआ। एक संयमी व्यक्ति, अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट रखने वाले व्यक्ति और फॉलोअप में बहुत ही सक्षम व्यक्ति, और पृथक विदर्भ के लिए किसान आंदोलन के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, और ये उनके जाने से किसान आंदोलन का पृथक विदर्भ की मांग के विदर्भ राज की मांग का अपरिमित घाटा हुआ है, और उनको पृथक राज मिला देना हम सब साथियों की जिम्मेदारी है और सही ढंग से यही उनको श्रद्धांजलि होगी। हाल ही में उन्होंने महानगर पालिका के साथ स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव लड़ने के लिए जय विदर्भ पार्टी की स्थापना भी की। उन्हें 2024 तक पृथक विदर्भ करना ही था, लेकिन उनका ये सपना सपना ही बनकर रह गया। किसानों के नेता जो पृथक विदर्भ राज्य की मांग तन मन धन से करने वाले हमारे नेता माननीय राम नेवले जी, जिन्होंने अभी हाल ही में पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए 2023 का लक्ष्य लेकर जय विदर्भ पार्टी का स्थापना किया और उसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे, और उनका एक ही सपना था कि पृथक विदर्भ राज्य बनना चाहिए, तभी युवाओं के सपने पूरे हो सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए पूरे जी जान से काम किया। हम जैसे युवाओं को उसमें से उन्होंने तैयार किया, पूरे विदर्भ में उन्होंने संगठन बनाया। वो जो संगठन कौशल था वो हर किसी के पास नहीं रहता, और वो मुख्य संयोजक होने के नाते उन्होंने जो संगठन कौशल जो लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जोड़ने का काम किया, जिससे जज्बा लोगों में जज्बा तैयार हुआ विदर्भ के प्रति, और 2023 में जो विदर्भ लेने की जो बात करते थे वो बात साकार होते हुए नजर आ रही। परंतु ऐसे में हमारे नेता माननीय राम नेवले जी हमारा साथ छोड़ के गए, ये दुखद बात भी है। बुधवार को मानेवाड़ा घाट पर राम नेवले के पार्थिव का अंतिम संस्कार किया गया। एक संयमी, जिम्मेदार, सक्षम व्यक्ति को विदर्भ ने खो दिया। विदर्भ की हजारों जनता की भावना आहत हुई है। ऐसे कर्तृत्ववान विदर्भवादी नेता को वीकेबी न्यूज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
बुलढाणा जिले के चिखली शहर में दुकान में डाका डालकर दुकानदार की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में डाका डालकर डकैत नकदी उड़ा ले गए। इस घटना के बाद से परिसर में दहशत छाई है। बुलढाणा जिले के चिखली शहर में मंगलवार रात 10 बजे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हथियार के साथ डाका डाला गया। दुकान में घुसकर तीन अज्ञात डकैतों ने तलवार से दुकानदार का गला काट दिया और दुकान में रखी कैश लेकर भाग निकले। डकैती की घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना के बाद चिखली शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। चिखली बस स्टैंड के सामने मुख्य मार्ग पर आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स ये बड़ी दुकान है। 55 वर्षीय दुकानदार कमलेश पोपट दिन भर का हिसाब किताब कर रहे थे। इसी बीच तीन नकाबपोश आए और दुकान में प्रवेश कर एक ने शटर अंदर से बंद कर दिया। इस दौरान दुकानदार पोपट ने विरोध किया तो एक ने पोपट पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और कैश लेकर तीनों भाग गए। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। काल जी चिखली शहरामध्ये रात्री जी घटना घडली त्या घटनेच्या अनुषंगाने माननीय SP सर, माननीय अडिशनल सर यांनी स्वतः व्हिजिट केले, त्याचप्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत आम्हा सर्वांना। त्याच्या अनुषंगाने जवळजवळ एक 5 टीम्स आम्ही तयार केलेल्या असून सायबरच्या काही टीम आहेत, LCBच्या काही टीम आहेत, पोलिटिशियनच्या काही टीम आहेत आणि इतर पोलिटिशियनच्या अशा 4 ते 5 टीम आम्ही वेगवेगळ्या दिशेला पाठवलेल्या असून लवकरात लवकर आपण आरोपीचा शोध घेत आहोत। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना पोलीस प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येते की सगळ्यांनी शांतता राखायची आहे आणि आम्ही आमच्या पद्धतीनं 100% प्रयत्न करून आरोपींना तात्काळ अटक करत आहोत। धन्यवाद। बुलढाणा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से चोरी के 22 मोबाइल जब्त किए, साथ ही आगे की जांच शुरू की। बुलढाणा जिले में पिछले कुछ दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इसी आधार पर बुलढाणा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने मोबाइल चोरी करने की बात कबूल की और उसके पास से 5 से 6 मोबाइल जब्त किए गए। आरोपी के जानकारी देने पर पुलिस ने औरंगाबाद में सर्च किया, जहां से 18 मोबाइल जब्त किए गए। ऐसे कुल 22 मोबाइल और 36 सिम कार्ड, साथ ही 2 मेमोरी कार्ड जब्त किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल चुराने वालों में डर का माहौल बना हुआ है। 4 दिवसापूर्वी आमचे DB पथकाने पेट्रोलिंग दरम्यान एक संशयित इसम ज्याचं नाव वैभव नारायण आडोळे हा राहणार आहे मोर्शी तालुका अमरावतीचा, याला ताब्यात घेऊन त्याला या मोबाईल संदर्भात विचारपूस केली असता त्याने जवळपास सुरुवातीला 5 ते 6 मोबाईलची कबुली दिली। त्याला गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर अजून अधिक चौकशीमध्ये त्याने आता जवळपास 22 मोबाईल या ठिकाणी काढून दिलेले आहे। त्याने जे औरंगाबादला ज्याच्याकडे विकले होते तो उमेर खान औरंगाबाद यालासुद्धा या गुन्ह्यामध्ये आम्ही अटक केलेली आहे। असे या गुन्ह्यामध्ये एकूण 22 मोबाईल आणि 37 सिम कार्ड या तपासामध्ये जप्त करण्यात आलेले आहे आणि अजूनही या गुन्ह्यामध्ये 5 ते 6 मोबाईल अजून मिळण्याची शक्यता आहे। पिछले कुछ दिनों से SC कर्मचारी राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग करते हुए हड़ताल पर गए हैं, जिस कारण बड़े पैमाने पर ST बसें रुकी हुई है। ऐसे में पिछले 10 दिन में नागपुर में ST को 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ST को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग करते हुए पिछले 10 दिनों से ST कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। त्योहार के समय बसें बंद होने से नागपुर जिले के ST आगार को 4.5 करोड़ का 10 दिन में नुकसान हुआ है और अब भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। नागपुर आगार से कुल 94 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने का पत्र दिया गया है। नागपुर विभागात एकूण 436 बसेस आहेत। 400 बसेस या आपल्या चालनात असतात। दररोज 1,60,000 किलोमीटर करून 45 लाखाचं दैनंदिन उत्पन्न आपल्याला दिवाळीत प्राप्त व्हाव्यास पाहिजे होतं। या 10 दिवसात वाहतूक व्यवस्था पूर्ण ठप्प असल्याने एकंदरीत 4.5 कोटीचा आपल्याला या 10 दिवसात संपामुळे फटका बसलेला आहे आणि निश्चितच हा जो लॉस झालेला आहे तो न भरून येणार आहे आणि अशा प्रकारे एकूण 4,50,000 असा एकंदर लॉस झालेला आहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटा से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समता सैनिक दल के माध्यम से सिंधी मेघे परिसर के निवासियों को भूखंड वितरित करने की मांग की गई। प्रलंबित मांगे पूरी करने के लिए नागरिक वर्धा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सिंधी मेघे वर्धा सर्वे क्रमांक 158 में रहने वाले गरीब परिवार रोज मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। इनमें से बहुत से दिव्यांग, निराधार, बुजुर्ग खेत में काम कर अपना गुजारा करते हैं। उनकी आर्थिक परिस्थिति प्लॉट खरीदकर घर बनाने की नहीं रहने से मौजा सिंधी मेघे वर्धा जिले में सर्वे क्रमांक 158 अ इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। जबरदस्ती से उनकी झोपड़ियां हटाई गई तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्हें रहने की जगह देने की समता सैनिक दल द्वारा मांग की गई। वंदना वासनिक है, आम्ही सिंधी मेघेतले रहिवासी आहे। भरपूर वर्षापासून आमची 158 सर्वे नंबर 158 सर्वे नंबरची मागणी होती, त्या जागेवर काहीच म्हणजे काहीच लोक कोणत्याच लोकांनी मागणी केली नाही आणि आम्ही तिथं आता 1.5 वर्ष झाले झोपड्या बांधून राहून राहिलो आणि ग्रामपंचायतवाल्यांनी आमचे ऑनलाईन फॉर्म भरलेले होते, त्यांनी स्वतःच सांगितलं आम्हाला का ऑनलाईन फॉर्म भरा आणि तेच लोक आम्हाला नोटीस देऊन राहिले आणि ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणत आहे की तुम्ही आम्हाला पैसे द्या तेव्हाच या जागेवर बसा, यांची हे म्हणजे ते लोक मागणी करून मागत आहे आम्हाला। आम्ही म्हणजे काय करायचं, आम्ही तिथं पोट भरायचं का राहायचं? लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आम्हाला म्हणजे सोयी नाही लागून राहिली, काही नाही लागून राहिली। आज आम्ही कलेक्टर मॅडमच्या ऑफिसच्या समोर उभी आहे, त्यांना निवेदन वारंवार निवेदन देत आहे। आमची म्हणजे आमची त्यांना शोकशमोक्ष लावायला पाहिजे कारण की आमचा गरीब वर्ग आहे आणि अजून काही आम्हाला अजून काहीच त्यांना सांगितलं नाही। खामगाव में एसटी कर्मचारियों के आंदोलन में उग्र रूप देखने को मिला। एक एसटी कर्मचारी ने परेशान होकर जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन पर अब तक कोई हल नहीं निकाला है, इसलिए खामगाव डेपो के एसटी कर्मचारी ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये मामला माटर गाँव में सामने आया। शेगांव तहसील के माटर गाँव के 32 वर्षीय विशाल प्रकाश आंबलकर खामगाँव डिपो में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत है। पिछले 10 दिन से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकाला गया है, इसलिए परेशान होकर कर्मचारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। माझा मुलगा विशाल हा एसटी महामंडळ मध्ये सहायक या पदावर कामावर असून गेली 7 वर्ष तो इथं नोकरी करत आहे खामगाव गावात। आता एसटीचा संप चालू असल्यामुळे गेली 4-5 दिवसापासून तो किंवा आम्हाला निलंबित करतात काय, आपलं कसं होईल, या परिस्थितीत त्यांनी आम्ही 3-4 दिवस झाले त्याला समजून सांगू लागलं की काही होणार नाही, पण तरी तो त्या मनस्थितीत नव्हता आणि आज त्यांनी रात्री 9 वाजता सुमारास विष पसंत केलं आणि त्याला आम्ही इथं मेन हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल खामगाव इथं दाखल केलेला आहे। भंडारा जिले के पेट्रोल पंप मालिक ने अनोखा उपक्रम चलाया, ग्राहकों को खुद ही अपने हाथों से पेट्रोल भरने का आह्वान किया। सभी और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है, जिस वजह से नागरिकों में रोष है। ऐसे में अड्याल में मां शारदा पेट्रोलियम के मालिक ने पेट्रोल पंप पर आत्मनिर्भर ये नई संकल्पना शुरू की, जिसमें अपने हाथों से खुद पेट्रोल भर सकते हैं। ऐसे चारों ओर फलक लगाए गए हैं। ग्राहकों को अपने हाथ से पेट्रोल भरने दिए जाने से पेट्रोल कम दिए जाने की शंका उनकी दूर हो रही है। इस उपक्रम से ग्राहकों को थोड़ा समाधान भी मिल रहा है। समस्त ग्राहकांना माझा नमस्कार। मी अक्षय निमकर, माशारदा पेट्रोलियम अड्याड मालक। आम्ही आत्मनिर्भर ग्राहक असा एक नवीन उपक्रम राबवत आहोत, जेणेकरून ग्राहकांचं समाधान व्हायला हवं। पेट्रोल दरवाढीमुळे जे ग्राहक त्रस्त झालेले आहेत
त्यांच्यावर एक उपाय म्हणून आम्ही हे नवीन उपाययोजना राबवत आहोत आणि याला चांगला प्रतिसाद सध्या तरी मिळतो आहे आणि भविष्यात पण मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो. नंदनवन पुलिस थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने ही मित्र की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा था. दरअसल पति के साथ विवाद का लाभ उठाते हुए वह 3 वर्षों से ये कृत्य कर रहा था. उसने महिला को शादी का भी झांसा दिया था, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तो महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने 30 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर राजेंद्र नगर नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी अभय सुरेश जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. नंदनवन पुलिस थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने ही मित्र की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा था. दरअसल पति के साथ विवाद का लाभ उठाते हुए वह 3 वर्षों से यह कृत्य कर रहा है. उसने महिला को शादी का झांसा भी दिया था, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तो महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने 30 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर राजेंद्र नगर नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी अभय सुरेश जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभय और पीड़िता के पति की दोस्ती थी, इस वजह से अभय का पीड़िता के घर पर आना जाना था. इसी दौरान दोनों ने एक ही इंश्योरेंस कंपनी में काम भी शुरू किया. काम के सिलसिले में वह अक्सर पीड़िता के घर आता जाता था. इस बीच पीड़िता और उसके पति के बीच विवाद शुरू हो गया. अभय ने पीड़िता का पक्ष लेकर उसके पति को समझाने का भी काम किया. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. दोस्त की गैर हाजिरी में वह पीड़िता के घर आता जाता था. पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता गया और अभय ने इसी का फायदा उठाया, पीड़िता से पति को छोड़ने को कहा, शादी का विश्वास दिलाकर नवंबर 2019 में शारीरिक संबंध भी बनाए. इसके बाद से अभय लगातार पीड़िता का फायदा उठा रहा था, होटल और लॉज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. विवाह के बारे में पूछने पर टाल मटोल करता रहा. दोनों के संबंधों की चर्चा पड़ोसियों में भी होने लगी. 15 नवंबर को पीड़िता ने अभय को घर पर मिलने बुलाया और विवाह के बारे में बातचीत की. अभय शादी करने से साफ मुकर गया और कहा कि वह सिर्फ टाइम पास कर रहा था. पीड़िता ने मामले की शिकायत वाठोड़ा पुलिस से की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अब 18 दिसंबर को होने की घोषणा की गई है. यहां तक कि जिन वकीलों ने सदस्यता शुल्क अदा नहीं किया है उन्हें 20 नवंबर तक शुल्क भरने की सूचनाएं जारी की गई है. शुल्क भरने के बाद सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत किए जाएंगे. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अब 18 दिसंबर को होने की घोषणा की गई है. यहां तक कि जिन वकीलों ने सदस्यता शुल्क अदा नहीं की उन्हें 20 नवंबर तक शुल्क भरने की सूचनाएं जारी की गई हैं. शुल्क भरने के बाद सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि कोरोना के संकट काल में भी 12 मार्च को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार चुनाव करवाने की मंशा जताई गई थी, किंतु कोरोना की दूसरी लहर अधिक तीव्र होने के कारण और सदस्यों के विरोध के चलते इसे टाल दिया गया. जानकारों के अनुसार समय समय पर चुनाव समिति और HCBA के पदाधिकारियों के बीच मंथन के बाद चुनाव प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ जाने का हवाला देकर निर्धारित समय में ही चुनाव करवाने के संकेत दिए जा रहे थे, किंतु यह संभव नहीं हो पाया. अब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से नियंत्रण में है. चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया. चुनाव समिति की ओर से वैध नामांकन की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार सभी पदों के लिए नामांकन पत्र दायर किए गए थे, किंतु अब घोषित नए चुनावी कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक सदस्यों को पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे. HCBA में उपाध्यक्ष के 2 पद हैं, जबकि कार्यकारी सदस्य के 9 पद. इसके अलावा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, लाइब्रेरी इंचार्ज का 1-1 ही पद है. बताया जाता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य तो 2500 से अधिक हैं, लेकिन चुनाव के लिए वैध मतदाता केवल 1850 ही. नए चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 1 दिसंबर के बाद से नामांकन पत्र दिए जाएंगे. नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए तथा वोटर लिस्ट के लिए 1000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा. 7 दिसंबर की शाम 4:30 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे, जबकि 10 दिसंबर तक नाम वापस हो सकेगी. 18 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मतदान के बाद तुरंत मतगणना होगी. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.